गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वील स्टडी चैप्टर 9 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एज वी ऑल नो, एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं। वी यूज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद अनदर। हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ कब करते हैं? जब हमें एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन्स में कंपैरिजन करना होता है। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। सीता इज़ अ वीक गर्ल। गीता इज़ वीकर देन सीता। अमृषा इज़ द वीकेस्ट गर्ल। हेयर इन दिस सेंटेंस ओनली वीक इज़ यूज, दैट मीन्स द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वीकर, इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज कंपैरेटिव डिग्री। And next is weakest. So in this sentence we have used superlative degree. Now you have to read this by yourself. Now we come to degrees of comparison. When we compare two or more nouns we use three degrees of comparison. जब हम एक या एक से ज़्यादा nouns को compare करते हैं तो हम थ्री टाइप्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। दीज आर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स चेंज फ्रॉम फॉर्म टू शो कंपैरिजन। ये एडजेक्टिव्स जो चेंज होते हैं इनसे हमें कंपैरिजन का पता चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। वी यूज इट टू डिस्क्राइब अ नाउन। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल फॉर्म होती है कंपैरिजन की, और इससे हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, जो एडजेक्टिव होता है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर टू नाउन्स। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो टू नाउन्स को कंपेयर करती है। टू फॉर्म अ कंपैरेटिव डिग्री वी एड ई आर और द वर्ड मोर टू द पॉजिटिव डिग्री। जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं टू नाउन्स के लिए, और उसमें हम यूज़ वर्ड को जो चेंज करते हैं वो किस में करते हैं, उस वर्ड के लास्ट में ER लगा देते हैं या उस वर्ड से पहले मोर का यूज़ करते हैं। लाइक अंबुज इज़ स्ट्रॉन्गर देन अमित, मीनू इज़ टॉलर देन टीना। जहाँ जिस सेंटेंस जिस वर्ड में लास्ट में ER लगा होता है दैट मीन्स इट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। Now we come to superlative degree. The superlative degree is used to compare more than two nouns. To form superlative degree, we add est or the word most to the positive degree. Superlative degree का हम use करते हैं दो से ज़्यादा nouns के बीच में comparison करने के लिए, और superlative degree के जो word हैं उनके last में est use होता है या उस word से पहले most use होता है। Like अक्षय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, लीला इज़ द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। स्ट्रॉन्गेस्ट के लास्ट में ई एस टी लगा हुआ है, दैट मीन्स इस सेंटेंस में हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करी है। यू हैव टू रीड दिस फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज बाय योरसेल्फ। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज ए। पुट द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमें सेंटेंस इन सेंटेंसेस को रीड करना है और देखना है इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगेगी या सुपरलेटिव डिग्री। एन एनिमी इज डैश देन अ फुलिश फ्रेंड। जो एक एनिमी है वो एक फुलिश फ्रेंड से बेटर है। तो यहाँ हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, और दो चीज़ों के लिए हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। और वर्ड क्या गिवन है हमें, गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर। This question is dash then that। यहाँ हम एक question को दूसरे question से compare कर रहे हैं, मतलब two चीज़ों का comparison कर रहे हैं। तो again यहाँ पर कौन सी degree use होगी, comparative degree। और word क्या है, difficult। difficult में हम ना तो last में er लगा सकते हैं ना est लगा सकते हैं, तो इसलिए इसके पहले more use होगा, क्योंकि हम comparative degree use कर रहे हैं। और अगर किसी जगह पे हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़े जिसमें हम लास्ट में est नहीं लगा सकते, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट। ही इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। अब हम एक बॉय का पूरी क्लास से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सी डिग्री लिखनी चाहिए, सुपरलेटिव। तो हमने टॉल यहाँ पे वर्ड गिवन है, इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया est, तो ये क्या बन गया, टॉलेस्ट।
गोल्ड इज डैश देन आयरन, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं और यूजफुल के लास्ट में हम ER या EST नहीं लगा सकते, इसलिए हम यूजफुल से पहले मोर लगाएंगे. दैट मीन्स दिस इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री. सर्वाइवल ऑफ द फिट डैश इज द थ्योरी. अब ये हम इसे सर्वाइवल को पूरी सारी थ्योरियों में से कंपेयर कर रहे हैं. दैट मीन्स दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज़ होगी? सुपरलेटिव डिग्री. सो ये फिट क्या बन जाएगा हमारा? फिट एस्ट. इसके लास्ट में क्या लग जाएगा? EST. दिस इज़ वन ऑफ द डैश मूवमेंट्स ऑफ माई लाइफ. अब हम बहुत सारे मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स दो से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे भी कौन सी डिग्री लगेगी? सुपरलेटिव. हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पी एस्ट. दिस इज़ द डैश सिचुएशन. एक इस सिचुएशन को हम सारी सिचुएशंस में से कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स दो से ज़्यादा हो गए, तो बैड का जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? वर्स्ट. आई एम फीलिंग डैश नाउ. यहाँ पे भी हम दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब से लेकर अब तक की सारी चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो सेफ में अगर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सेफेस्ट. नाउ एक्सरसाइज बी इज राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. अब आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी आपको कंपैरेटिव डिग्री भी लिखनी है और सुपरलेटिव डिग्री भी लिखनी है. अगर हम फर्स्ट देखें तो बोल्ड है, बोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बोल्डर, क्योंकि कंपैरेटिव में लास्ट में वर्ड के ER लगता है, और सुपरलेटिव में होगी बोल्डेस्ट, क्योंकि इसमें लास्ट में EST लगता है. सूटेबल, सूटेबल के लास्ट में ना तो हम ER यूज़ कर सकते हैं ना EST यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे? मोर सूटेबल कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट सूटेबल सुपरलेटिव डिग्री में. थर्ड है नीट. नीट का क्या हो जाएगा? नीटर. और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? नीट टेस्ट. फोर्थ है हैप्पी. हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? हैप्पियर. और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी हैप्पीएस्ट. लाइक दीज, ऑल दीज वर्ड्स आर डन. यू हैव टू रीड दिस एंड लर्न दिस.